वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिवस शेल्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। नाउ लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वीलॉग सेशन नंबर 134 आई थिंक, उसमें मैंने आपको अपने यूजर एक्सपीरियंस शेयर किए थे पर्ल हैमर रेजर के बारे में। और ये मैंने बताया था काफी हेफ्टी रेजर है ये, और जो मैंने उस समय दाढ़ी बनाई थी वो क्लोज्ड कोम बेस प्लेट के साथ बनाई थी। और आज जो मेरी दाढ़ी है 4.5 से 5 दिन पुरानी है, तो इट्स अ गुड बियर्ड आई विल से टू शेव विथ ओपन कोम बेस प्लेट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि इस रेजर के साथ पर्ल ने जो है एक ओपन कोम बेस प्लेट भी प्रोवाइड की है। तो पहले मैं फिर से इस रेजर को आपको दिखा दूं। इसके वेट लेंथ के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नाउ ये जो बेस प्लेट है आज मैं इसको यूज करूंगा ओपन कोम की। नाउ इसका जो वजन है 50.75 ग्राम है इस ओपन कोम बेस प्लेट का। तो सबसे पहले तो मैं इस पर वही ब्लेड लोड करूंगा आज भी जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था, जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम। तो ये आज इसका दूसरा इस्तेमाल होगा। तो जल्दी से पहले मैं इसको लोड करता हूं। ये इसका गास्केट, सो लेट्स चेक द अलाइनमेंट फर्स्ट। सो यू कैन सी आप यू कैन सी द ब्लेड गैप एंड ब्लेड एक्सपोजर भी आपको दिख रहा होगा। एंड एज यूजुअल देयर इज नो ओवरहैंग, सो कुछ भी मिसमैच मेरे को नहीं नजर आ रहा है, कोई भी फ्लॉ या कोई भी फॉल्ट नहीं नजर आ रहा है। तो नॉर्मली 80% जो मैं शेव करता हूं अपनी डे टू डे लाइफ में वो क्लोज्ड कोम रेजर के साथ करता हूं, और 20% केस में फॉर अ चेंज मैं ओपन कोम जो है वो रेजर यूज करता हूं। और मेरा अब तक का सबसे फेवरेट जो है पार्कर 26C ओपन कोम रेजर है। तो लेट्स सी कि आज ये कैसे परफॉर्म करता है। मगर आप इसके अगर कोम के टीथ देखेंगे तो दे आर वेरी वाइड, वो दांतों के बीच में अच्छा खासा गैप दिख रहा है आपको, और आई शुड से दे आर द गैप इज क्वाइट ब्रॉड, अच्छा खासा जो है गैप नजर आ रहा है आपको। सो लेट्स सी हाउ दिस प्लेट परफॉर्म टुडे। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं, एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज काफी समय के बाद हजामत का जो सोप है वो यूज करूंगा, हजामत मॉइस्चराइजिंग सोप। ये पहला वाला जो है जो सबसे पहले हजामत ने लॉन्च किया था, उसके बाद तो उन्होंने 3-4 तरह के सोप लॉन्च किए। हल्का सा मैंने उसमें पानी की बूंदें डाल रखी, आप देख रहे होंगे ब्लूम करने के लिए। तो आई एम यूजिंग दिस सोप आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एंड टू क्रिएट द लादर आई एम गोइंग टू यूज पिंक वुल्फ टक्सेडो ब्रश। यार इस कम समय में ये मेरा एक फेवरेट शेविंग ब्रश हो गया है, और अक्सर मैं इससे शेव करना पसंद करता हूँ, लादा बनाना पसंद करता हूँ। फैंटास्टिक शेविंग ब्रश, और इस तरह से 30-40 आई थिंक स्वर्ल्स काफी हैं सोप लिफ्ट करने के लिए। That's enough. चलिए let's create the lather. आज मैं face lather करूंगा as usual.
दोस्तों, पिंक वुल्फ ने लास्ट ईयर दो शेविंग सिंथेटिक शेविंग ब्रश लॉन्च किए थे, एक टक्सेडो और दूसरा मॉन्स्टर ब्लू। सही बताऊं तो मेरे को टक्सेडो जो है मॉन्स्टर ब्लू से ज्यादा बेहतरीन नजर आया। देखे कितने कम समय में इसने फर्स्ट क्लास लादा तैयार कर दिया। तो पिंक वुल्फ की एक बात बहुत सही है कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं थोड़ा टाइम लगाते हैं, बट क्वालिटी के मामले में मोस्ट ऑफ द टाइम नो कंप्लेंट्स। बेहतरीन खुशबू इस सोप में और ऑलमोस्ट 3 साल के बाद भी इसकी सोप का टेक्सचर बहुत हल्का सा चेंज हुआ है, बट स्मेल में कोई फर्क नहीं है। दाढ़ी मॉइस्चराइज बहुत बढ़िया हो, प्री शेव काम आपने अच्छा किया हो तो शेव बनाने का एक अलग ही मजा है। मगर आज मैंने केवल फेस वॉश से अपनी बियर्ड बनाई, सॉरी अपना फेस क्लीन किया और कोई भी प्री शेव ऑयल या प्री शेव जेल या प्री शेव सोप यूज नहीं किया है। काफी थिक लादा बनाया, शायद सोप थोड़ा ज्यादा लिफ्ट किया तो थोड़ा उसको, अगर आपको लगे आपकी लादा काफी थिक हो गया हो तो ऐसे कुछ बूंदे टपकाइए ब्रश के ऊपर और हल्के हल्के पेंटिंग स्ट्रोक से आप लादा के टेक्सचर को और स्मूदन कर सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पास, पर्ल हैमर रेजर एंड आई एम टुडे यूजिंग ओपन कॉम्ब ब्लेड और आज इस ब्लेड का दूसरा इस्तेमाल होगा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा खासा वेट है इस रेजर में। और इस सोप की दाद देनी पड़ेगी, क्या मस्त ग्लाइड कर रहा है ये रेजर, मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा हूं। वजन काफी भारी है, देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि पर्ल के जो है मेरे को शेविंग हेड्स पुराने, अगर मैं L55 और A141 रेजर्स की बात करूं तो उनके क्लोज कॉम रेजर्स, क्लोज कॉम प्लेट्स मेरे को बहुत पसंद है, मगर उनके जो ओपन कॉम प्लेट्स हैं वो मेरे को इतनी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही निहायत ही अग्रेसिव हो जाती थी मेरे लिए। एज
पर माय लाइकिंग मेरे लिए काफी वो एग्रेसिव हो जाती थी, तो मैं ज्यादातर उनको यूज नहीं करता। कभी कभी चेंज कर होने के लिए फॉर चेंज मैं यूज कर लेता हूँ, मगर इस प्लेट ने अभी तक तो बहुत ही शानदार काम किया है और मेरे को कोई भी परेशानी नहीं हुई है। एंड आई एम सेइंग दैट आई मस्ट से दैट इट इज वर्किंग स्मूथली फॉर मी। Very smooth and slickness of this soap is, I will say great. I will not say fantastic, but it's great. अच्छी खासी slickness है soap में, जिस price point में दे रहे हैं बहुत ही अच्छा soap है। चलिए कम टू द सेकेंड पास अक्रॉस द ग्रेन। Effortless. बट वेट का आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको बहुत हैवी रेजर पसंद नहीं है तो शायद ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम करे। मेरे को हैवी रेजर्स करने में यूज करने में दिक्कत नहीं होती, ब्लेड फील अच्छा खासा है। इस रेजर का, इस प्लेट का जो ओपन कॉम प्लेट है, इसका एक कंपैरेटिव अकाउंट में डेफिनेटली बनाऊंगा पाकर 26E के साथ, जो मेरा अब तक का चाहिदा रेजर है। बट यार इट इज वर्किंग स्मूथली फॉर मी और मेरे को ये इतना एग्रेसिव नहीं लग रहा जितना मैं सोच के बैठा था। बट फिर वही वाली बात होती है, इट्स टू अर्ली टू से।
देखते हैं क्या हाल है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी स्मूथ शेप टुडे। यार अभी जो मैंने यूज किया है, सही बताऊं तो ये मेरे को क्लोज कॉम जो इसकी बेस प्लेट है उससे भी अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जब इस हैमर रेजर के साथ यूज शेव की थी तब 4 दिन पुरानी दाढ़ी थी, आज ये ऑलमोस्ट 5 दिन पुरानी दाढ़ी है। तो चलाने में काफ़ी स्मूथ लगी है मेरे को प्लेट, और कहीं भी मेरे को ग्रेन्स का पता ही नहीं लग रहा है। हाँ थोड़ी स्लिकनेस है, अभी मैंने फेस वॉश नहीं किया, और थर्ड पास की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत हल्के से यहाँ पे है, बहुत हल्की सी, ऑलमोस्ट ना के बराबर। गॉन यहाँ पे भी, लेट्स गो फॉर द एलम फीडबैक। हाँ ये चीज मैंने जरूर मार्क की है क्लोज कॉम प्लेट के साथ भी और इस ओपन कॉम प्लेट के साथ भी, कि जब हम शेव करते हैं बहुत ही स्मूथ लगता है, मगर जब एलम यूज करते हैं तो हल्का हल्का इरिटेशन तो होता है। इस ग्रोथ की दाढ़ी जो मेरी, जो इस ग्रोथ की जो बियर्ड है, 4-5 दिन पुरानी जो मैं ग्रोथ है, जब इसी को मैं रॉकवेल यूजर्स के रॉकवेल सर क्या बोल रहा हूँ मैं रॉकवेल का जो रेजर है उसमें प्लेट नंबर 4 या 5 यूज करता हूँ, तो 5 या 4 दिन पुरानी दाढ़ी के साथ जब मैं इसका फीडबैक लेता हूँ तो इसका मेरे को इरिटेशन जलन जीरो ऑलमोस्ट नहीं लगती। इसमें हल्की सी लग रही है, इट मे बी बिकॉज ऑफ स्लाइट ब्लेड फील। थैंक्स फॉर अगेन, आपके प्रोडक्ट यूज करते हुए हल्का सा मेरे को, आई एम नॉट से फियर, बट ये कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों ने क्वालिटी इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस उठाए हैं, तो आप लोग पर्ल के जो थिंक टैंक है, जो आपकी टीम है, वो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्कआउट करती होगी, मगर अभी तक मेरे को जितने भी यू नो रेजर्स या जितने भी सोप वगैरह यूज किए हैं, मेरे को सारे के सारे ठीक ठाक लगे, बहुत अच्छे लगे, और जिस प्राइस पॉइंट में आपके प्रोडक्ट्स आते हैं वो मेरे को कभी निराश नहीं करते। बस एक हाँ, फ्लेक्सी जो रेजर है वो मेरे को, जो सेकंड वर्जन था, पहला वर्जन था, उसमें एक ही चीज लगी कि ब्लेड लोड करते समय फ्लेक्सी रेजर में हल्का सा वो जब हम डालते हैं उसको कसने में ब्लेड इधर उधर होता रहता है, तो उसमें थोड़े से वो ग्रूव्स होते हैं वो डीपर होने चाहिए थे, और ये मैं कह रहा हूँ, बाकी तो सब। तो ये रेजर जो है बहुत ही शानदार लगा अब तक मेरे को, और मैं इसको यूज करूंगा और इसके कंपेरेटिव जो है वीडियोज में और दूसरे रेजर्स के साथ बनाऊंगा। बट येस, आई एम हैप्पी दैट दिस एंड आई एम ग्लैड दैट दिस रेजर इज इन माई शेविंग डेन, और मेरे को ओपन कॉम प्लेट भी उतनी अच्छी लगी जितने की क्लोज कॉम। सो फंटास्टिक रेजर है मुझसे। तो चलिए अब आते हैं लास्ट फेज ऑफ शेविंग, दैट इज पोस्ट शेव पार्ट। तो आई एम यूजिंग मार्क्स एंड स्पेंसर हार्वर्ड पोस्ट शेव लोशन, आफ्टर शेव लोशन। यार इतना बड़ा ये होल दे देते हैं पूरे गिर जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें जो है कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। एनीवे आई एम गोइंग टू यूज माय फिंगर। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको बाम्स अच्छे लगते हैं, स्प्रेश अच्छे लगते हैं, या मेरे को तो शेव हमेशा अधूरी लगती है अगर मैं स्प्लैश यूज ना करूं तो। हल्का सा वो टिंगलिंग सेंसेशन और उसके बाद वो महक आई ऑलवेज एंजॉय। So this is one of my favorites, Harvard Marks and Spencer aftershave. और थोड़ा सा सेंट प्रोफाइल अलग हो जाएगा, तो हजामत का ही जो है आज मैं पोस्ट शेव बाम यूज करूंगा। दिस मच इज एनफ। So totally satisfied with today's shave and all the products are simply great.
सो आई कैन नॉट से दैट चला मुरारी हीरो बनने। सो दोस्तों आप भी इस तरह से शेप करते रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए कि हाँ मैंने आज का जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्प्लैश आपको मजा आता है या पाम यूज करने में मजा आता है या दोनों का कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं, जरूर बताइएगा। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, आज का जो मेरा शेविंग ब्रश है वो पर्ल का टक्सेडो शेविंग ब्रश, सिंथेटिक शेविंग ब्रश, एंड टुडे आई हैव यूज्ड हजामत का जो है सोप। अब नॉर्मली एक और चीज़ में से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि इसके बाद आप क्या करते हो, तो कई बार क्या होता है कि मैं इसको हाथ से साफ करता हूँ, बट नॉर्मली मैं क्या करता हूँ इसको धो देता हूँ अच्छे से, क्योंकि सोप का कलेक्शन बहुत हो गया है तो मैं धो देता हूँ और पूरे अच्छे से सुखाता हूँ मैं, कभी कभी पंखे के नीचे भी रख देता हूँ। तो आप बिल्कुल मत डरिएगा कि इसकी सेंट उड़ जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा आज तक मेरे साथ। तो नॉर्मली मैं इसको अभी धो दूंगा और इसको अच्छे से एक वेंटिलेटेड एरिया में रख के 24 घंटे के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। गीले सोप मत स्टोर करिए, उसकी वजह से सोप जो है रेंसेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, बदबू आती है उसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट शेविंग सेशन में। तब तक आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, शेविंग करते रहिए और जिंदगी के लुत्फ उठाते रहिए, और मैं क्या कहूं। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, सी यू सून।